नमस्कार, इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। बड़ी खबर आपको बता दें, जो बाइडेन अब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। पेंसिल्वेनिया जीतकर उन्होंने ट्रंप से जीत छीन ली है। आपको हम बता दें, जो बाइडेन को 292 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं और उसी के साथ साथ कमला हैरिस यूएस की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने जा रही है। पीएम मोदी ने बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई भी यहां पर दी। आपको हम बता दें, 77 साल के बाइडेन अगले राष्ट्रपति चुने जाएंगे। 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह, जो तय तारीख यहां पर अमेरिका में होती है, शपथ ग्रहण उनकी ओर से किया जाएगा। 292 इलेक्टोरल वोट्स, देखिए 270 की जरूरत यहां पर थी। और पेंसिल्वेनिया में जब मतगणना खत्म हुई तो उसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़ते हुए आगे निकले जो बाइडेन और अगले राष्ट्रपति के तौर पर निकलकर सामने आए हैं। जश्न देखिए मनाया जा रहा है अमेरिका में, जो तमाम समर्थक यहां पर जो बाइडेन और कमला हैरिस के रहे और बेहद खुशी की लहर सभी में। I pledge to be a president who seeks not to divide but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. And work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. और वहीं अमेरिका में इतिहास रचने वाली भारत की बेटी कमला हैरिस ने भी अमेरिकी जनता का शुक्रिया किया। ट्रंप की हार के बाद कमला हैरिस ने कहा कि आपने सच को चुना है, बाइडेन को चुना है और हमारे पास बेहतर भविष्य बनाने की शक्ति है। ये तमाम बातें कमला हैरिस की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि अमेरिकियों का धन्यवाद जो हमारे ऊपर विश्वास किया, आपने यूएस के लिए एक नए दिन का आश्वासन दिया है। To our campaign staff and volunteers, this extraordinary team, thank you for bringing more people than ever before into the democratic process. You have protected the integrity of our democracy. And to the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. And you delivered a clear message. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. तो इस जीत की खुशी के बाद जो बाइडेन और कमला हैरिस सामने आए और ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। अब हम आपको दिखाते हैं बाइडेन और कमला हैरिस की जीत के बाद अमेरिका की सड़कों पर जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है। व्हाइट हाउस, टाइम्स स्क्वायर, सिल्वर लेक, वॉशिंगटन, शिकागो और मियामी की तस्वीरें हैं, जहां पर जो बाइडेन और कमला हैरिस के जो ये तमाम समर्थक थे वो सड़कों पर उतर आए। खूब जश्न यहां पर मनाया गया। और कुछ ही देर पहले देखिए तस्वीरें यहां पर आई थी डेलावेयर की, जहां पर खुद कमला हैरिस और जो बाइडेन मौजूद थे, एक मंच पर मौजूद थे और आतिशबाजी बाकायदा वहां पर की गई। और इस दौरान कमला हैरिस और जो बाइडेन का पूरा परिवार यहां पर उनके साथ मौजूद था। देखिए डेलावेयर की अगर हम बात करते हैं तो यहां से लंबे वक्त तक सीनेटर चुने जाते रहे हैं जो बाइडेन, और वहां के एक एक शख्स के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही थी। और वहीं के साथ साथ ये तमाम वो तस्वीरें हम आपको अमेरिका की दिखा रहे हैं, जहां पर समर्थक जो थे वो बेहद खुश नजर आए जो बाइडेन और कमला हैरिस के। व्हाइट हाउस पर जश्न का माहौल दिखा, काफी भीड़ वहां पर थी। टाइम्स स्क्वायर पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें थी। सिल्वर लेक, वॉशिंगटन में भी हाथों में झंडे लिए और साथ ही साथ कार्ड्स लेकर यहां पर तमाम समर्थक मौजूद थे। शिकागो में जश्न मनाया गया नाच गाने के साथ, और यही कुछ तस्वीरें मियामी में भी थी। जो बाइडेन के प्रशंसक विश्व भर में हैं, इसकी एक झलक हम आपको इस वायरल वीडियो के जरिए दिखाते हैं, जहां पर एक अश्वेत महिला उनके पास दौड़कर आकर जो बाइडेन से मिलती है और आंखों में उनके प्रति प्यार देखकर उन्हें गले लगा लेते हैं वो, और साथ ही बड़े प्यार से उस अश्वेत महिला के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए जो बाइडेन नजर आए। ये देखिए, ये वीडियो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। लोकप्रियता की एक तस्वीर मात्र है ये, जहाँ पर एक अश्वेत महिला ने जैसे जो बाइडेन को देखा वहां पर तो वो भावुक काफी हो गई थी। Take your time. I
think I messed up already. No, take your time. Don't worry about it. Okay, you ready? All right. Come on. Let's see. Congress is taking our picture. Oh, boy. Good deal right here. Oh, my goodness. Thank you so much. तो देखिए, दो तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में जहाँ पर एक महिला इतनी भावुक यहाँ पर हो गई थी, अपने आंसू नहीं रोक पाई क्योंकि उनकी मुलाकात जो बाइडेन से यहाँ पर हो गई थी वो लोकप्रियता दर्शाता है जो जो बाइडेन की वहां पर है। और इसी के साथ दूसरी तस्वीरें हैं एक और लोकप्रिय तस्वीर की जो यहाँ पर दिखाता है कि कितनी खुशी है लोगों में कि जो बाइडेन यहाँ पर राष्ट्रपति चुने गए हैं और जल्द ही वो शपथ लेंगे जनवरी में। Let's get a picture here. Do you have a phone? I could take a picture for you. Where did it go? Oh, it's here somewhere. Oh, my God. I know I got it somewhere because I hear it in my... Is it? No. Better. Oh, God. Okay, set it up. Take your time. I think I messed up already. No, take your time. Don't worry about it. तो ये तस्वीरें यहां पर लगातार देखने को मिल रही है अमेरिका में। और इसी बीच देखिए, जो बाइडेन जब राष्ट्रपति पद के तौर पर यहां शपथ लेंगे तो उसके बाद किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजें बदलेंगी, सवाल इस बात को लेकर है। भारत से किस तरह के रिलेशन रहेंगे ये भी हम समझेंगे। हमारे साथ हितेश भट्ट जुड़े हैं, विदेश मामलों के वो जानकार हैं, सीधा न्यूजर्सी से वो हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है हितेश जी आपका। आगे मैं आपसे बातचीत यहां पर करूंगी और आप हमारे दर्शकों को ये समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर आगे यहां पर किस तरह से बदलाव देखने को मिलेगा या फिर जो एक बहुत अच्छे रिश्ते अमेरिका के साथ बने हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। इसी बीच देखिए, बाइडेन जो है अब अगले राष्ट्रपति होंगे ये अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से साफ हो गया है। पेंसिल्वेनिया जीतकर उन्होंने ट्रंप से जीत छीनी है, लेकिन भारत के नजरिए से देखें तो बड़ा सवाल ये कि बतौर राष्ट्रपति बाइडेन जो है वो ट्रंप की राह पर चलेंगे या फिर एक नई लकीर खींचेंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 2000 के बाद से भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों में मजबूती आई है। तो क्या ये जो ट्रेंड है बाइडेन प्रशासन में बरकरार रहेगा, इस रिपोर्ट से समझिए। ट्रंप की विदाई हो चुकी है और व्हाइट हाउस बाइडेन का इंतजार कर रहा है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें नए राष्ट्रपति पर टिकी है। भारत में भी बड़ा सवाल है कि ट्रंप ने जिस रिश्ते को मजबूत किया अब उसकी दशा और दिशा क्या होगी। क्या ट्रंप की तरह ही बाइडेन अमेरिका और भारत की दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और क्या भारत की मोदी सरकार से उनकी तालमेल ट्रंप की तरह बनेगा। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अब अमेरिका में रिपब्लिकन की नई बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारत के नजरिए से देखें तो डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा से भारत की मददगार रही है। बराक ओबामा हो या बिल क्लिंटन, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपतियों का भारत के प्रति झुकाव रहा। चाहे व्यापार हो या रणनीतिक मामले, भारत को डेमोक्रेटिक्स का साथ मिला। यही वजह है कि भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर ज्यादा रहता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है जो बाइडेन के सत्ता में आने से सकारात्मक माहौल बनेगा और ट्रंप की नीतियों पर चलते हुए भारत अमेरिका की दोस्ती मजबूत होगी। Keep the faith, guys. We're gonna win this.
बाइडेन अपने चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय मूल के अमेरिकियों से संपर्क किया और जाहिर किया कि वो भारत के लिए अच्छी सोच रखते हैं। वही बाइडेन के प्रमुख रणनीतिकार एंथनी क्लिकेन कह चुके हैं कि हम एक जैसी वैश्विक चुनौतियों से बिना भारत का साथ लिए नहीं निपट सकते। भारत के साथ रिश्तों को मजबूत और गहरा करना हमारी उच्च प्राथमिकता में रहने वाला है। और रितेश भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए विदेश मामलों के जानकार हैं, न्यूजर्सी से सीधा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हम ये समझने की उनसे कोशिश करें कि अब आगे जो बाइडेन जो है वो किस तरह से भारत के साथ मिलकर आगे काम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत रितेश जी एक बार फिर से आपका। तो देखिए अब कुछ ही वक्त में जब राष्ट्रपति पद की शपथ वो ले लेंगे तो बदलाव आप क्या समझते हैं, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेट पार्टी की बात करते हैं, डेमोक्रेट्स की बात करते हैं तो भारत के हक में ही नजर आए हैं। बिल क्लिंटन रहे हों, बराक ओबामा रहे हों, झुकाव दिखा है, प्यार दिखा है, तमाम संबंधों को मजबूत करने की कोशिश पहले भी रही थी और अब उसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश जो बाइडेन की ओर से की जाएगी क्या? एब्सोल्युटली, देखिए ये रास्ता पेव कर दिया है। मोदी साहब आए थे पहली बार वो बाइडेन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में, वो रास्ता पे हो गया तो डिफेंस जॉइंट वेंचर चल रहा है मेरे साथ, आईटी वेंचर चल रहा है वहां पे साथ, एग्रीकल्चर का वेंचर चल रहा है वहां पे, मेडिसिन चल रहा है, हमारा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी चल रहा है। अभी बाद में वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को ही, मोदी साहब को भी एडमिनिस्ट्रेशन को भी मालूम है, हमें भी मालूम है, ये जनरेशन की, इंडियन जनरेशन की इतनी खुशी की बात है कि ये पेव रस्ते होने के बाद अभी आगे जाना है। दो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड वो साथ में काम करेगी तो कोई नहीं हिला सके। हमें बहुत ही खुशी है कि हमारी कमला हैरिस यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, वो इंडियन डिसेंट है, एंड इट कुड बी शी विल बिकम प्रेसिडेंट भी बन सकती है फ्यूचर में। बिल्कुल, वो आगे वाले समय की बात बिल्कुल यहाँ पर रितेश जी होगी, लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की हम बात करते हैं अभी तो भारत की कुछ चीजें होती हैं जिन्हें लेकर बहुत क्लियर स्टैंड भारत का रहता है, जैसे आंतरिक मामले होते हैं, पड़ोसी देशों से जिस तरह के संबंध होते हैं उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता और ये बातें क्लियर भी की जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। आप ये मोदी की बात यहाँ पर की जाए तो जब तमाम बातों पर बात कही गई थी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कि हम बात कर सकते हैं, चाइना की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, तो ये सारी चीजें क्लैरिटी के तौर पर भी रहेंगी और जो बाइडेन शायद इन बातों को बहुत अच्छे से समझते भी होंगे, जो पिछले तमाम वक्त से वो सब देखते भी आए हैं। हाँ, बात सही है। तो वो क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो वो तो पॉलिटिक्स है, वो चलेगा, डायलॉग चलेगा, इंडिया का मामला इंटरनल मामला है वो भी चलेगा, पर अभी क्या है कि अभी इंडिया बहुत ही एडवांस हो गए, हमारी जीडीपी भी वर्ल्ड कंपेटिटिव हो रही है, बिल्कुल। हम यूएन में भी हमारे सीट होने वाली है, हो गई है अभी, तो क्या होता है कि हमारा सभी दुनिया में सभी प्राइम मिनिस्टर ने हमारा इतना वर्चस्व बढ़ा दिया है कि ये काम बहुत ही मुश्किल नहीं होगा फ्यूचर में। अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी मालूम है कि ट्रेन स्टेशन पे चल गई है, अभी वापस नहीं आएंगे, सो देयर इज नो यू टर्न नहीं मिलेगा, वो भी फॉरवर्ड भी चलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है हितेश जी, अगर हम अलग अलग मुद्दों में समझने की कोशिश करें तो देखिए वीजा नियम हो, अमेरिका में रह रहे भारतीय हो, इसके अलावा व्यापार संबंध हो, आर्थिक सहयोग हो, इनमें आपको क्या लगता है तमाम चीजों को अगर हम देखें सबसे पहले प्रायोरिटी के तौर पर कौन सी ऐसी चीजें यहां पर रहने वाली होंगी जिस पर जो बाइडेन शायद सबसे पहले ध्यान देंगे? सो पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एज सून एज वो जनवरी में ऑफिस में वो शपथ विधि के बाद उसने ट्रंप साहब ने वो 85,000 का H-1 वीजा का फ्रीज किया है, उसने अनफ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि H-1 वीजा में सभी लोग यहाँ पे सिलिकॉन वैली में, कैलिफोर्निया में हमारे फैमिली वाले हैं, बहुत ही एडवांस होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो वो यहाँ कोई यहाँ बहुत ही शॉर्टेज है, यहाँ की जरूरत बहुत ही है, तो पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को वो
85,000 का फ्रीज है उसने कम्प्लीटली रिलीज करना होगा एंड बाद में वो H-1 वीजा में इमिग्रेशन में पॉलिसी वो बैक टू गो बैक टू नॉर्मल द वे वी हैड बिफोर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तेज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी बेहतर चीजें हो पाएंगी जो इतने वक्त से इतने अच्छे रिश्ते अमेरिका के साथ भारत ने यहां पर निभाए हैं उनको आगे किस तरह से बढ़ाया जाएगा और नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तेज जी फिलहाल के लिए आपका, आप हमारे साथ जुड़े। और देखिये भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की अगली उपराष्ट्रपति होंगी। 55 साल की कमला हैरिस का रिश्ता भारत से है इसीलिए भी भारत में उनके बारे में खूब चर्चा हो रही है। भाई कमला हैरिस की जिंदगी की कहानी किसी फिल्म की कहानी की तरह है जिसमें कई उतार चढ़ाव रहे। चुनाव में कमला हैरिस पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुत सोच समझकर दाव लगाया। सोच थी कि कमला हैरिस की वजह से एक तरफ जहां भारतीय वोटर्स साथ आएंगे वहीं ब्लैक वोटर भी आसानी से साथ आ जाएंगे और ऐसा ही हुआ। चुनाव के बाद आए नतीजे भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। कमला एक तेज तर्रार नेता के तौर पर जानी जाती है, एक ऐसी नेता जो नए दौर के साथ कदम ताल करने में माहिर है, लेकिन कोरोना काल में कमला हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी संपर्क को बढ़ाने वाली नई दौर की नेता के तौर पर भी उभरी। एक साल पहले राष्ट्रपति पद की दावेदारी के दौरान अपने विरोधियों पर उन्होंने अलग छाप छोड़ी थी और लगातार कई बेहतरीन भाषण दिए थे। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति पद की रेस में उस वक्त अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन पर भी भारी पड़ती नजर आई थी। कमला को विदेश मामलों का बड़ा जानकार माना जाता है और इसलिए उनका डेमोक्रेटिक पार्टी में भी बड़ा सम्मान है। आज पूरी दुनिया की नजरें कमला हैरिस पर टिकी हैं, तो उसकी वजह भी साफ है। कमला हैरिस का जन्म ऑकलैंड में हुआ था। उनकी माँ भारतीय मूल की और पिता जैमिका मूल के। तलाक के बाद हैरिस को उनकी हिंदू माँ ने अकेले ही पाला। उनकी माँ कैंसर रिसर्चर और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट रही हैं। कमला भारतीय विरासत के साथ पली बढ़ी अपनी माँ के साथ भारत आती रही हैं। मतलब साफ है, कमला के पास विशाल अनुभव है, चाहे वो अनुभव अलग अलग देशों की संस्कृतियों का हो या फिर खुद से अर्जित किया गया ज्ञान हो। यही वजह है कि कमला हैरिस ने जब उपराष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की तो पार्टी ने भी उन्हें हाथों हाथ ले लिया। भारत के लोगों में भी कमला हैरिस को लेकर जोरदार उत्साह देखा गया और उनकी जीत के लिए भारत में जगह जगह पूजा पाठ और हवन किए गए। कमला हैरिस का ननिहाल तमिलनाडु में है। उनकी माँ श्यामला गोपालन राज्य के तिरुवरूर स्थित थुलासेंद्रपुरम गांव की रहने वाली थी। इस गांव में भी कमला की जीत के लिए पूजा अर्चना की गई। भारत के लिहाज से कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि कमला 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती है, जो बाइडेन इशारा कर चुके हैं वो सिर्फ एक ही कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी बीच विदेश मामलों के जानकार पीके सहगल जो है वो क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमारी आपस में झगड़े थे उनको हम भूल जाएं एंड लेट्स वर्क फॉर अमेरिका। अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प द वर्ल्ड हैड स्टार्टेड लुकिंग एट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज अ डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देयर इज वर्टिकल पोलराइजेशन। सो वेरी mature statement has been made by Biden that he will unify America and not divide, and he does not see red states or blue states, but he sees them as United States of America. This is a very, very subtle and a significant statement. चले बढ़ते आगे। अमेरिका का चुनाव डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं। इसी बीच अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर वो क्या वजह रही जिसकी वजह से ट्रंप को हार का मुंह देखना पड़ा। तमाम कोशिशों के बावजूद ट्रंप बाइडेन को हरा नहीं सके, आखिर वो वजह क्या रही इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले तमाम चुनावों से अलग इस बार अमेरिकी इलेक्शन के मुद्दे बेहद अलग थे। इस बार न तो आतंकवाद पर बात हुई और न ही वर्किंग वीजा का मुद्दा उठा और न ही दूसरे मुल्कों के साथ रिश्तों पर ही किसी तरह के डिबेट हुए। इस बार सिर्फ बात हुई कोरोना
गरीबी, भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन और नस्ली हिंसा पर। इन सभी मुद्दों ने डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी। इस बार अमेरिकी चुनाव में 5 मुद्दे प्रमुख रूप से हावी रहे और इसी ने जीत हार की राह तय की। इनमें पहला मुद्दा कोरोना, दूसरा मुद्दा गरीबी, तीसरा मुद्दा भ्रष्टाचार, चौथा मुद्दा जलवायु परिवर्तन, पांचवा मुद्दा नस्ली हिंसा। अब विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप की हार के पीछे की मुख्य वजह क्या क्या रही। अमेरिका में जिस वक्त राष्ट्रपति के चुनाव कराए गए वो ट्रंप के लिए सही साबित नहीं हुए। कोरोना महामारी ट्रंप के लिए अभिशाप बनकर आई। अमेरिका में कोरोना से बड़ी संख्या में मौत को उनके प्रतिद्वंदी बाइडेन आसानी से भुना ले गए। बाइडेन ने कोरोना महामारी के प्रबंधन को लेकर कई तीखे सवाल उठाए और साथ ही लगातार दोहराते रहे कि कोरोना से मौत के लिए ट्रंप की नीतियां जिम्मेदार हैं। ट्रंप चुनाव के दौरान कोरोना के नियमों को लेकर बेरुखी और लापरवाही दिखाते रहे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी माहौल उड़ाया। वहीं ट्रंप कोरोना की चपेट में आ गए तब वे बाइडेन को ट्रंप पर निशाना साधने का अच्छा मौका मिल गया और वो इसका फायदा उठाए। चुनाव के ऐन मौके पर अमेरिका में श्वेत आंदोलन ने अमेरिकी राजनीति को प्रभावित किया। इसका असर राष्ट्रपति चुनाव में भी देखने को मिला। पुलिस कस्टडी में अश्वेत जॉर्ज ब्लायट की मौत के बाद अमेरिका में जबरदस्त नस्ली हिंसा हुई। अश्वेत आंदोलन को ट्रंप ने अमेरिकी कानून व्यवस्था का उल्लंघन माना और सख्ती से पेश आए। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अश्वेत आंदोलन में हुई हिंसा को आतंकवादी घटना करार दिया। वहीं इसके विपरीत नस्ली हिंसा को लेकर बाइडेन का दृष्टिकोण बेहद उदार दिखा। डेमोक्रेटिक नेता और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने नस्ली आंदोलन को जायज ठहराया। वहीं एक और वजह जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार फायदा उठा ले गए, वो है उनकी झूठ बोलने की आदत जो उन पर भारी पड़ गई। फैक्ट चेक करने वाले वेबसाइट पॉलिटी फैक्ट के अनुसार 2016 से लेकर अब तक ट्रंप के आधे से अधिक बयान झूठे थे। वॉशिंगटन पोस्ट के डेटाबेस के अनुसार उन्होंने अपना कार्यभार संभालने के बाद दिनों दिन अधिक संख्या में झूठी बयानबाजी की। एक आंकड़े के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 4 साल में 20,000 से ज्यादा झूठ बोल चुके हैं। ये सारी बातें भी ट्रंप के खिलाफ गई और बाइडेन इसे भी भुनाने में सफल रहे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी भी अमेरिकी मतदाताओं के लिए अहम रहे। महामारी से निपटने के लिए अमेरिका में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। इन सब मुद्दों ने ट्रंप के खिलाफ काम किया और इन सभी मुद्दों को बाइडेन भुनाने में सफल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं बाइडेन और कमला हैरिस की जीत के बाद अमेरिका की सड़कों पर जश्न किस तरह से मनाया गया। अलग अलग तस्वीरें अच्छे आप देख पा रहे हैं व्हाइट हाउस की, जहां पर पहुंचेंगे जो बाइडेन शपथ ग्रहण के बाद। टाइम स्क्वायर की तस्वीरें बेहद जोश में यहां पर जो बाइडेन के समर्थक नजर आए। सिल्वर लेक पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें थी। वाशिंगटन, शिकागो और मियामी में भी हाथों में झंडे लिए तमाम समर्थक सड़कों पर उतर आए थे। खूब उनकी ओर से जो बाइडेन और कमला हैरिस के समर्थन में नारेबाजी की गई और नाच गाने के साथ इस जश्न को मनाया गया, क्योंकि इस जश्न के लिए तमाम समर्थकों ने इंतजार 4 दिनों से ज्यादा का किया। काउंटिंग जब चल रही थी तो काफी आक्रोशित भी समर्थक नजर आए थे, सड़कों पर भी उतरे थे और अब जश्न का वक्त आया तो जमकर जश्न भी मनाया। तो अब देखिए, चुन लिया गया है यहां पर जो बाइडेन को अमेरिकी जनता की ओर से। अब जनवरी में शपथ ग्रहण होगा। भारत के साथ रिश्तों पर अगर हम बात करते हैं, कितने फायदे या नुकसान यहां पर जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद हो सकते हैं वो समझिए। भारत यूएस रक्षा संबंध में बड़े बदलाव की देखिए किसी तरह की कोई संभावना नहीं है। संयुक्त युद्धाभ्यास और सैन्य समझौते जो है वो पहले की तरह होते रहेंगे।
इसके अलावा भारत चीन तनाव को कम करने के लिए यूएस भारत पर दबाव जरूर बना सकता है। भारत पाक संबंध पर बहुत ज्यादा बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा भारत और यूएस आर्थिक संबंध और ज्यादा बेहतर ही हो सकते हैं। ये अच्छी बात अपने आप में, भारत और अमेरिका के बीच कारोबार बढ़ेगा, जो अभी जारी है, जो व्यापार संबंध है उनमें बढ़ोतरी ही होगी। भारतीयों को ज्यादा ग्रीन कार्ड्स मिल पाएंगे, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण खबर रहेगी। और आईटी सेक्टर की कंपनियों को जो बाइडेन के आने से काफी फायदा यहाँ पर होगा। इसके अलावा देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें जिन पर नजर रहेगी, और बदलाव कौन से है वो समझिए। कट्टरता, आतंकवाद पर ट्रंप के मुकाबले आक्रामकता जो है वो घट सकती है। भारत के साथ संबंध में ज्यादा बदलाव की संभावना जो है वो नहीं समझ आती। अमेरिका और चीन के साथ संबंध में कहीं ना कहीं सुधार जरूर आ सकता है। यूएस चीन ट्रेड वॉर धीरे धीरे खत्म हो सकता है, जो लंबे समय से यहाँ पर जारी है, जिसका असर देखने को मिला है। अमेरिका में अश्वेत विरोध और आंदोलन जो है वो जरूर कम हो सकते हैं जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से। इमिग्रेशन पॉलिसी में थोड़ी नरमी की भी यहाँ पर संभावना है। बाइडेन के आने से अमेरिका में ग्रीन कार्ड देने की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। तमाम बदलाव हैं जो बाइडेन के आने के बाद देखने को मिल सकते हैं। और कौन कौन सी बड़ी बातें यहाँ पर जो बाइडेन की ओर से कही गई, देखिए उन्होंने कहा रेड ब्लू नहीं, संयुक्त राज्य हम बनाएंगे। ये जो जीत मिली है ये अमेरिका के लोगों की जीत है। जो स्पीच उन्होंने अभी दी थी कुछ वक्त पहले, उसकी ये मुख्य बातें हैं। अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा वोट मिले जो बाइडेन को, मैं अमेरिका के सभी लोगों का राष्ट्रपति हूं, जिन्होंने मुझे वोट दिया और जिन्होंने नहीं भी दिया उनका भी। कमला हैरिस ने अमेरिका को परिवार माना, ये बातें जो बाइडेन की ओर से कही गई। किसी भेदभाव के साथ काम यहां पर नहीं करेंगे। अमेरिका में सुधार करने का वक्त आ गया है। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि कोरोना को लेकर यहां पर पूरा का पूरा प्लान बनाया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे करके वापस पटरी पर लाने की कोशिश होगी। ये अहम बातें यहां पर जो बाइडेन की ओर से देखिए कही गई थी। बाकायदा एक स्पीच उनकी यहां पर हुई थी। कमला हैरिस भी मीडिया से मुखातिब हुई थी। जो बाइडेन ने कहा था कि वो बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं, आगे का काम मुश्किल जरूर रहेगा लेकिन साथ मिलकर हम काम करेंगे और मैं वादा करता हूं कि मैं सबका राष्ट्रपति बनूंगा, चाहे आपने मुझे वोट दिया है या नहीं।